तो रायता बनाने के लिए मेरे स्टाइल में मैं दिखा देती हूँ आपको इस तरह का मेरे पास ये चॉपर है तो दो प्याज लेकर के मैं इसमें कटिंग करके डाली इसी के साथ थोड़ा सा ये धनिया पत्ता कटिंग किया हुआ डाल दी इसी के साथ इसमें ये आधा से कम नींबू निचोड़ूंगी छोटा चम्मच से एक चम्मच नींबू का जूस हो जाएगा और ये काला नमक है आधा चम्मच से कम काला नमक और एक मीडियम साइज़ का टमाटर इसे भी थोड़ा थोड़ा पीस करके डाल दूँगी छोटा छोटा पीस करके अब चलिए ढक के इसे हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं मतलब चॉप कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप इस तरह का चॉपर आपको नॉर्मली बाज़ार में मिल जाएगा कहीं पे भी आप जाइएगा देखिएगा तो मिल जाएगा ये देख कर के भी आप ले सकते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे दही जो दही हम बचा के रखे हैं ना ये दही डालेंगे ज़्यादा दही पसंद है आपको तो आप ज़्यादा डाल देना तीन सौ ग्राम दही है तो दो सौ ग्राम दही का ही मैं यूज़ की थी चिकन मंडी में तो इसमें मैं डाली हूँ दो सौ ग्राम सौ ग्राम दही अभी भी मैं बचा ली हूँ और जो सौ ग्राम दही बचाई उसका मैं मीठा रायता बनाऊँगी और ये जो है ये नमकीन रायता है तो चिकन मंडी के साथ खाने के लिए ये बहुत ही परफेक्ट सैलेड है इसे आप ज़रूर बनाना बहुत अच्छा लगता है ये सैलेड एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये आपसे कैसी बनी है बहुत ही मज़े की ये जो सैलेड है बन गई है असल में ये चिकन मंडी के साथ जो चटनी खाया जाता है वो टमाटर से ही बनाया जाता है टमाटर का चटनी जो स्पेशल चटनी होती है तो वो रेसिपी आपको चाहिए स्पेशल चटनी चिकन मंडी का चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना वहाँ पे लिंक मिल जाएगा ईद स्पेशल चिकन मंडी रेसिपी में आपको ये चिकन मंडी का मसाला भी मिलेगा और तो मिलते हैं ऐसे ही यूनिक रेसिपी के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़